पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं के बीच दोनों सत्रों पर नेतृत्व परिवर्तन तक की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हालांकि जानकारों को इसके बावजूद किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है। 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था। बीजेपी के कई नेताओं ने आदित्यनाथ को ट्विटर पर बधाई दी, पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने योगी को जन्मदिन पर ट्विटर पर बधाई नहीं दी। इस घटना से कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ बीजेपी के भीतर तनाव की अटकलें लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करने गए। ये बैठक करीब 1.25 घंटे तक चली। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में यूपी के मिशन 2022 पर चर्चा हुई, साथ ही कैबिनेट विस्तार पर भी मुहर लगी है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनके आवास पर भी मुलाकात की। गौरतलब है कि योगी ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। साथ ही संगठन और सरकार में बदलाव को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर विराम लगा दिया था। अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में करीब 1 महीने से योगी सरकार के खिलाफ पार्टी के भीतर से ही विरोध के स्वर उभर रहे हैं। ऐसे में योगी का दिल्ली आना और प्रधानमंत्री मोदी से मिलना काफी अहम माना जा रहा है। मोदी और योगी के बीच के तनाव पर कुछ जानकारी वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने वीडियो के जरिए दी। निशाने पर चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, लेकिन निगाहों में 2024 का लोकसभा चुनाव ही है, और शायद दिल्ली हो या लखनऊ, दोनों इस मिजाज से बाखूबी वाकिफ हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही निकलता है, और खास तौर से तब जब इस देश के भीतर में आधे दर्जन से राज्य ऐसे हो चले हैं जहां पर बीजेपी एक भी सीट ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, इसको लेकर भी एक संशय की स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा की सीट है, यह निगाहों में है, और निशाने पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव या फिर निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए इसलिए आकर खड़े हो गए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की बिसात अब अगर दिल्ली ने अपने तरीके से नहीं बिछाई तो उसे डर लगने लगा है कि अगर उत्तर प्रदेश गंवा दिया या फिर वहां की सियासत को गंवा दिया तो 2024 का रास्ता मुश्किल बामुश्किल होता चला जाएगा। इन सब के बीच यूपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम फिर चर्चा में आ गया है, जिसे 4 महीने पहले यूपी की राजनीति में उतारा गया था। ये नाम है पूर्व नौकरशाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अरविंद कुमार शर्मा। बीबीसी की रिपोर्ट की बात करें तो यूपी में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अरविंद शर्मा को कोई महत्वपूर्ण विभाग तो छोड़िए, कैबिनेट मंत्री भी बनाना मुश्किल है। राज्य मंत्री से ज्यादा वे उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम को सीधा तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवहेलना और उन्हें चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा है। अरविंद शर्मा मामले में योगी आदित्यनाथ के रवैये को लेकर बीजेपी के कई नेता या प्रवक्ता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बात को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी में अंदरखाने सब कुछ ठीक नहीं है। मोदी और योगी के बीच आपसी तनाव पर कुछ जानकारी वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने वीडियो के जरिए दी। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर में एक बहुत ही जबरदस्त दुर्घटना होती है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देना पड़ता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया है। जो लोग मारे गए हैं उनको 2 लाख रुपए दिया है प्रधानमंत्री राहत कोष से, और 50,000 उन लोगों को जो लोग घायल हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कानपुर के संचेड़ी क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया गया है। आपने गौर किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे ट्वीट में कहीं पर भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ को का जिक्र नहीं किया है। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट पर फिर से गौर कीजिए जिसमें उन्होंने राहत की घोषणा की है। यहां पर उन्होंने कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं किया, वो सीधे दखल दे रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि जब कोई सड़क दुर्घटना होती है तो राहत देने का काम या ऐलान वहां का मुख्यमंत्री करता है, और ये मुख्यमंत्री तो उनका अपना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में एक और अहम तथ्य है, ये है कि तमाम विरोधों के बावजूद वह संघ की पहली पसंद बने हुए हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि आरएसएस में योगी का समर्थन करने वाले लोग उन्हें मोदी की काट के रूप में देखते हैं। इससे साफ है कि 2022 के चुनाव के लिए आरएसएस का समर्थन योगी आदित्यनाथ को है। भले ही मीडिया ने कोरोना काल में योगी और आदित्यनाथ की अच्छी छवि को बनाए रखने की कोशिश की, पर कोरोना काल में यूपी के जो असल हालात थे वह कई न्यूज रिपोर्ट और पत्रकारों द्वारा की गई ग्राउंड रिपोर्टिंग से पता चल ही गया। बीबीसी के साथ बातचीत में यूपी के विधायक ने बताया कि कोविड संक्रमण के दौरान राज्य सरकार की कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व बहुत नाखुश है। सार्वजनिक तौर पर भले ही इस प्रकरण को मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद की बैठकें इसी का नतीजा है। गोदी मीडिया कांग्रेस के बीच आपसी तनाव की तो बात करता है, पर बीजेपी में चल रहे तनाव पर चुप्पी साधे बैठा है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस और मोड़ लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।